फ्रेंड्स, आप सभी लोग का फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग खेलने वाले लास्ट रूल सर्वाइवल में ऑपरेशन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एवेंजर को किल करने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं एवेंजर को इसमें आके किल नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो आके हम पहले ना आके हम एवेंजर को किल कर लेते, फिर उसके बाद सिप भी बुला लेंगे और रूम से कर लेंगे जो ब्लू वाला रूम्स होता है। तो बहुत दिन के बाद में अपना ये ऑपरेशन बेस खेल, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो अभी यहाँ पर एवेंजर भी है तो ना, जब आप देख सकते हो तो इसने एक ही बुलेट में मेरा काफ़ी हेल्थ ले चुका, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ अपना ना, बैंडेज वगैरह लगा के सब हेल्थ वगैरह फुल कर ले, तो फिर ना आप इसको एवेंजर को किल कर लेते हैं। फिर इसे देख लेते क्या लूट अच्छा मिल पाता कि नहीं, अगर किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा सा कोई गन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जॉम्बीज होते हैं पहले हम इनको किल कर लेते, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में डैमेज वगैरह देते रहेंगे। तो सबसे पहले इनको किल कर लेते फिर एवेंजर को किल करते। जब भी मैं अपना गेम को स्टार्ट करता हूँ तो यार एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी गेम का, तो मेरा इसीलिए ना मैं अपना वो जो होता है इसका ऑफिशियल जो सर्वर होता है इसीलिए मैं उसको अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना काफ़ी लैग हो रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो मैं आपको ना उसकी एक छोटी सी वीडियो की क्लिप में आपको दिखा देता हूँ कैसे मेरा गेम कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये साइड में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं गेम को जैसे ही यहाँ पे कट कर लेता हूँ फिर ना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मैं गेम को ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे पता नहीं कौन सा सेटिंग मांगता है, और जैसे इसको बैक करता हूँ तो ये गेम यहीं पे मेरा फ्रीज हो जाता है, फिर ना इसके बाद ये ओपन ही नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो छोटा वाला जो होता है इसका जो घूमता रहता है यहाँ पे लिखा हुआ नो मोबाइल डाटा तो यूज, तो ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसके आगे गेम जल्दी ओपन नहीं होता, जब तक मैं इसको ना 5-6 बार या 10 से 12 बार जब इसको कट करके ओपन करूँगा ना फिर ये जाके मेरा एक बार जाके गेम चलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं अच्छे से और रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा, तो इसी की वजह से ना मैं अपना गेम अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा लेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखते हैं फिर इसका कब इसका अपडेट आता है तो ये अच्छा होता है, ठीक होता है या नहीं, ठीक है। तो ये पता नहीं कौन क्या ये परमिशन मांग रहा है, मैंने पूरा अपना सेटिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, उसमें कोई भी उसमें छेड़छाड़ किया फिर भी उसको फिर ठीक भी कर दिया, और उसके बाद मैंने गेम को भी 2 से 3 बार इसको डिलीट करके इंस्टॉल किया हूँ फिर भी इसमें वो प्रॉब्लम आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और उसमें ना काफ़ी ज़्यादा लैग भी हो रहा है, हैवी वाला लैग हो रहा है, जो कि पहले अच्छा चल रहा था गेम, तो अभी जब से ये न्यू अपडेट आया फिर से वही प्रॉब्लम हो गया है। तो वो देख लेते फिर कब तक अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और हम अपना एवेंजर को किल कर लेते हैं, और यहाँ पर ना मैं अपना सॉन्ग डाल देता हूँ, और मेरे पास M4 की भी काफ़ी बुलेट कम है, ठीक है। तो उसी लिए मैं यहाँ पे अपना बुलेट भी यहाँ पे बार बार चेक कर रहा हूँ और इसको किल कर रहा हूँ। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये किनका आ रहा है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे को भी पता चले कि या फिर केवल मेरा ही हो रहा है या फिर किसी और का भी हो रहा है ऐसा ये वाला प्रॉब्लम। तो उसके बाद ना वो छोटा वाला जो अगर घूम जाता है तो जब वो चलने लगता है तो समझो गेम भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद ही स्टार्ट होता है, कभी कभी तो आधे घंटे लग जाते हैं भाई गेम को स्टार्ट करने में, इसी की वजह से ना थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मैं वीडियो भी थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है और गेम को भी नहीं खेल पा रहा हूँ इसी की वजह से थोड़ा वीडियो भी लेट हो जा रहा है। तो देख लेते फिर ना कब तक सही होता है, फिलहाल हम एवेंजर को किल कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसको ना M4 से किल करते हैं और इस मेरा ना एमो ख़त्म हो जाता है, फिर इसको ना मैं स्नाइपर से किल कर लेता हूँ, क्योंकि स्नाइपर का मेरे पास 60 के अराउंड बुलेट थी है, तो मैं उसको फिर बाद में स्नाइपर से किल कर लेता हूँ, क्योंकि उससे ना काफ़ी अच्छा डैमेज जाता है, 133 का और 111 का डैमेज जाता है, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हो, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो लीजन है उसको फुल करना है, क्योंकि ना उस मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ खेलना चाहता है तो प्लीज़ आप हमारे लीजन में आप अप्लाई कर देना, जिसका ना 500 आवर से अगर ऊपर हो तो वही प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप मेरे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर 200 आवर से अगर कम होता है किसी का वॉच प्ले टाइम तो वो ऑफिशियल सर्वर ही खेल पाता है, ठीक है। तो आप अगर आपका 500 से अगर ऊपर हो चुका है तो प्लीज़ अगर चाहते तो आप मेरे लीजन में आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैं आपको अप्रूव कर देता हूँ उसी समय, और
मेरे लीजन में पूरे अच्छे वाले टीममेट चाहिए, जो कि 8 टीममेट चाहिए, ठीक है। 8 बंदों की नीड है, तो आप अप्लाई कर देना अगर चाहते हो। अगर खेलना तो फिर साथ में खेलेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये ना किल हो गया एवेंजर, तो इसको पहले जम्बी को भी किल कर देते हैं। मैं इसको देख रहा था इसमें कोई गन्स है या नहीं, तो यहाँ पे कोई गन्स तो नहीं दिखी, लेकिन C4 दो मिल गए, और एक आर्मर का जो रेसिपी होता है वो मिला हुआ है, और कुछ कुछ यहाँ पे सामान मिल गया, ठीक है। तो पहले एवेंजर को भी किल कर दिया, फिर उसके बाद चल लेते सीधा बेस पे, और चल के ना सिप बुलाएंगे। आप देखना सिप पे मेरे साथ क्या होता है, ठीक है। तो लिटरली वहाँ पर भी देख के दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, आखिर वो वहाँ पे मैं किल कैसे हुआ, ना ही कोई वहाँ पे एवेंजर था, ना ही कोई वहाँ पे मॉन्स्टर था, सीधा वहाँ पे नॉक और वहाँ पे सीधा फिनिश हो गया, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हो वीडियो में। मैंने अपने लीजन का नेम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डाल दूँगा, और उसका आईडी भी डाल दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो लीजन में, ठीक है। तो फिलहाल के चल रहे थे बेस पे, वहाँ से सीधे चलेंगे उसको शिप को बुलाएंगे, फिर चलेंगे शिप पे। यहाँ पे तो हम शिप को बुला चुके हैं, ठीक है। तो शिप को बुलाने के बाद मैं ना सीधा इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद ना नीचे उतरना है मेरे को, तो ऊपर से तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो मेरे को नीचे जंप करके ही जाना होगा, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पे देख रहा था कहाँ से जाऊँ नीचे, तो मैं ना यहाँ से सीधा जंप कर लेता हूँ फिर, और इधर आके देखा तो इधर भी तो कुछ तो है नहीं थी, फिर ऊपर से एक फ्लोर और मेरे को नीचे जंप करना है, ठीक है। फिर भी मैं ऊपर जाके देखा कि कोई एमो चेस्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, उस वाले साइड पे होता ऊपर में, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे एक और होता है एमो चेस्ट, फिर चल के उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी है, हम ही अभी ऊपर ही हैं, तो नीचे चलते हैं। इधर से कहाँ से जंप करना वो देख लेते, फिर जंप करते फिर नीचे की साइड। ऑपरेशन बेस में हम जॉम्बी रेड भी बुलाएंगे, ठीक है। तो जॉम्बी रेड उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा तैयारी वगैरह करना होता है, बुलेट वगैरह बनाना होता है, अभी तो है नहीं, तो मैं ना जब हो जाएगा तैयार तो मैं जॉम्बी रेड भी बुला आपको दिखाऊंगा कैसे उसको रेड इजीली करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कैबिनेट का अगर लेवल 10 है तो भाई काफ़ी उसका मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरा तो अभी 4 मैंने लेवल कर रखा है जॉम्बी रेड के लिए, क्योंकि उसमें ना काफ़ी जल्दी वो जॉम्बी से आप सोलो में आप उसको आसानी से रेड को डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैबिनेट का लेवल अभी 4 किया हुआ है, तो मैं भी 10 कर लूँगा काफ़ी जल्दी। और इसमें देख लेते हैं, और जो इसी ने मेरे को डैमेज वगैरह दिया, तो मैं यहाँ पे ना अपना हेल्थ वगैरह लगा लेता हूँ, फिर चलता हूँ आगे देख लेता हूँ। यहाँ पे एक एमो चेस्ट होता है इसी के जस्ट बगल में, तो उसको पहले चल के कर लेते हैं एमो चेस्ट को। सीढ़ियों से ऊपर जाना है और यहाँ पे है वो एमो चेस्ट, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रॉय कर लेते फिर, यहाँ से मेरे को एक मचेट मिला, एक हैंडमेड और कुछ स्पेयर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो हैंडमेड मिला ये सही है, लेकिन अभी तो ये ऑपरेशन बेस से अभी कुछ कोई भी सामान अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मेन सर्वर में, तो देख लेते हैं फिर कोई इवेंट आता है फिर तभी ये ट्रांसफ़र होता है। पहले आया हुआ था तो ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अब तो नहीं होता है ट्रांसफ़र, इसीलिए उतना ये कोई खेलता भी नहीं है आई थिंक कोई। यहाँ पे कहाँ कहाँ सप्लाई चेस्ट होते हैं वो सभी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सप्लाई चेस्ट, टूल बॉक्स और फूड चेस्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 एमो चेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन बेस में अगर सिप बुलाते हो आपको 3 एमो चेस्ट मिलता है, अगर उसमें अगर नॉर्मल वाले सर्वर में बुलाते हो तो आप उसमें कहाँ बुलाना होता है भाई, वो तो अपने से आता है, एक दिन में 4 बार आई थिंक आता होगा इस सिप ना, तो उसमें आपको एक ही एमो चेस्ट मिलता है और एक वो ड्रॉप होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख, यहाँ पर भी सप्लाई चेस्ट काफ़ी कंटेनर के नीचे और कंटेनर के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सभी जगह चल के आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफ़ी होते हैं, फिर उनको ना किल करना होता, नहीं तो वो आपको उनके पास शॉटगन होती है, तो उसे आप 2-3 हीट तो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ना स्नाइपर से यहीं से इसको किल करते हुए ना सबको चलेंगे आगे।
फाइनली यहाँ पे आता हम लोग का एडवांस एमो चेस्ट जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने इसके पास वाला जो मॉन्स्टर तो उसको तो किल कर दिया, फिर ना इसको मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसमें मेरे को M4 मिलता है और एक स्नाइपर मिलता है और एक रेसिपी मिलता है, ठीक है, एक मचेट और एक विंडो मिलता है, ठीक है। तो इतना सामान मिल जाता, आप देखना ये सभी मेरा यहाँ पे वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, जो भी मैंने लेके आया था, जो भी जितना भी सामान था वो सब कुछ यहाँ पे जाने वाला है मेरा। यहाँ पर देख सकते हो जो कि इसका लास्ट वाला एमो चेस्ट होता है, जो कि ऊपर में चल के ना उसको भी ले लेते हैं, जो लास्ट वाला एमो चेस्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहीं पर मैं किल होता हूँ, ठीक है। जैसे ही इधर जाता हूँ उस वाले सप्लाई चेस्ट को लेता हूँ, फिर उधर जाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे किल हो जाता हूँ। अगर किसी को कोई रीज़न पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।